तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़कर समझते हैं। बोल रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन एयर इन एन एयर कोर कॉइल इज 10^-2 वेबर पर मीटर स्क्वायर विथ ए कास्ट आयरन कोर ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी 100 इंसर्टेड द फ्लक्स डेंसिटी विल बिकम। क्या होगा इसका सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा था, बोल रहा है सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ एयर का, ठीक है। क्या दिया हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम लिख देते हैं, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमको किसका दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इन डेंसिटी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका एयर का, ठीक है। तो एयर का कितना दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ 10^-2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है। और विथ ए कास्ट आयरन कोर ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, और कास्ट आयरन कोर है हम लिख सकते हैं कोर कास्ट आयरन कोर, इसका जो है रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है कितना 100 कास्ट आयरन कोर के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर पूछ रहा है कि द फ्लक्स डेंसिटी विल बिकम। तो आपको पूछ रहा है कि जब कास्ट जब रिलेटिव परमिटिविटी 100 इंसर्टेड कर देते हैं फ्लक्स डेंसिटी बिटवीन एयर में, तो हमारा बताइए कि फ्लक्स डेंसिटी कितना जनरेट होगा किस में, आयरन कास्ट आयरन कोर में। तो हमको इसका मतलब यहाँ क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है फ्लक्स डेंसिटी इन कास्ट आयरन कोर में, जिसको हम लिख सकते हैं बी आयरन लिख के, ये हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर में तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग एक फॉर्मूला बहुत अच्छा जानते हैं कि अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर कोई भी मीडियम में बोले तो वो हम क्या लिखते हैं, न्यू परमिएबिलिटी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोला रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू एच, ओह सॉरी और वहीं पर कोई अगर हमारा फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ एयर में तो उसका क्या जानते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी इनटू एच, ठीक है ये जानते हैं। अगर हम डिवाइड कर दें इस दोनों इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, तो बी एम बाय बी एयर कर दें डिवाइड, तो न्यू नॉट नहीं परमिएबिलिटी ऐसे हो गया, तो ये इससे ये कट जाएगा और एच से एच कट जाएगा, तो बचेगा क्या रिलेटिव परमिएबिलिटी बचेगा, ठीक है परमिएबिलिटी बचेगा। तो हमारा आ गया, तो मान जिसका जिसका दिया हुआ है बीएम का मान तो हमको निकालना ही है। बीएम हमारा यहाँ पर क्या है, बीएम ही तो हमारा बी आयरन है ना, तो हम बी आयरन लिख सकते हैं और बी एयर बाय क्या लिख सकते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो हमको बी आई निकालना है, तो इसको हम भेज देते हैं इस तरफ, तो बी आई बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान दिया हुआ आपको 100, आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ दिखा देता हूँ, यहाँ पर है 100, तो 100 ले लिया और
और एयर के लिए जो है फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखो मैं इसको सर्कल घेरा कर दिया, ये आपको 10^-2 दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना 10 कितना होगा फ्रेंड्स, तो इसको ये काट देगा, तो बी जो आयरन में है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन आयरन पूछ रहा है वो आपका निकलेगा 1 Wb/m² निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हुआ इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन नंबर 14 पर अब आ गए हम लोग। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सुटेबल फॉर द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। बोल रहा है कि इस सभी में से किसका कोर इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सबसे अच्छा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए कोर बनाने के लिए सबसे सुटेबल मटेरियल कौन सा होता है। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, हम क्या बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमको कोर चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है कि मान लो कोई भी हम क्या करते हैं वायर लेके उसको इस तरह स्क्वायलिंग कर देते हैं, उसके अंदर क्या रखते हैं कोई कोर प्लेस करते हैं, ठीक है, तभी इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेट आता है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए कि हाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो हाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चाहिए, दो केस हो सकता है, एक है चाहिए हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और जिसका क्या हो सक्सेसिविटी ज़्यादा हो, क्या होना चाहिए जिसका सक्सेप्टिबिलिटी क्या हो मोर देन हो, क्या हो मोर देन हो किससे वन से, क्या हो मोर देन हो, यही हो ना फ्रेंड्स। तो जिसका क्या हो सक्सेसिविटी मोर देन वन हो, तो ये दोनों कंडीशन जो फॉलो करेगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए उसी कोर का हम यूज करेंगे, तो वो सबसे अच्छा होता है किसका, सॉफ्ट आयरन का होता है। तो ये आप उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पर। तो 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है द सोर्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज, बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए सोर्स क्या होता है, उसका स्रोत क्या होता है। तो स्रोत देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो पहला तो ऑप्शन क्या जैसे बोल रहा है, पहला ऑप्शन जैसे बोल रहा है एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल होता है। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल का मतलब क्या है, हमको मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए कम से कम कितना पोल चाहिए, दो पोल चाहिए। मैग्नेट का कितना पोल रिक्वायर्ड होता है, दो पोल होता है। और यहाँ से बोल रहा है आइसोलेटेड मैग्नेट, मतलब कोई एक की बात कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए कितना पोल चाहिए, दो पोल का रिक्वायर्ड होता है। और यहाँ बात कर रहा है ऑप्शन वन में एक, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दो नंबर ऑप्शन चेक करते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्टैटिक मतलब होता है स्टेशनरी, मतलब जो चार्ज क्या है हमारा रुका हुआ, मतलब रेस्ट कंडीशन में, किस कंडीशन में है, एट रेस्ट कंडीशन में। तो जो हमारा चार्ज में, ये दूसरा ऑप्शन है, वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। जब चार्ज हमारा रेस्ट कंडीशन में होगा तो इसमें हमारा क्या कोई करंट फ्लो होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, पहला भी ऑप्शन रॉन्ग गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, बोलता है मैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, चौथा बोलता है करंट लूप, क्या कोई करंट लूप हो सकता है,
चौथा बोलता है क्या, कोई करंट लूप, हाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए कोई करंट लूप ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई हमारा करंट लूप है, ठीक है, इसमें हमारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। हम जानते हैं कि सेंटर पे मान लीजिए ये सेंटर है, तो कोई भी लूप है, करंट लूप है, उसके सेंटर में क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड यू नॉट एब्सोल्यूट परमिटिव आई बाय 2R, ये जानते हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा करंट फ्लो होने के लिए हमको कौन रिक्वायर्ड होता है, वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए हमको करंट लूप रिक्वायर होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पे आ गए हैं। कितना नंबर पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या बोलता है। बोलता है कि ए मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक नीडल है जिसको हम कहाँ रख रहे हैं, कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो बताइए इस चारों ऑप्शन में क्या होगा। तो मान लीजिए कि हम एक यहाँ पर हम बना देते हैं एक मैग्नेटिक नीडल, इसको रख दिए हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। यू मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ कुछ थीटा बन रहा होगा एंगल, तो ये है, हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा एन पोल है नीडल का, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। तो इस पे कुछ फोर्स लगेगा मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ कुछ फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर हम मान लेते हैं कुछ एच्यूम कर लेते हैं क्यू एम है चार्ज, और यहाँ पर क्यू एम है चार्ज, तो यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज। तो फोर्स क्या लगेगा, इधर अपवर्ड, इधर लगेगा डाउनवर्ड, तो इसको एफ वन मान लेते हैं, इसको एफ टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला माइनस क्यू एम और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू एम मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड में फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं कि एफ वन इक्वल टू एफ टू हो जाएगा, एंड एफ वन बराबर एफ टू है, और क्या है, इन अपोजिट, एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा दोनों फोर्स। तो हमारा क्या होगा, दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अगर देखेंगे तो इस केस में हमारा जो नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, तो हमारे जो डाइपोल पे जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब 0 ही लिखो, तो हमारा कितना फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कितना हो गया, लेकिन हाँ दोनों फोर्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में तो लगेंगे, लेकिन दोनों फोर्स हमको क्या देंगे, टॉर्क दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है पी एम बी साइन थीटा। यहाँ पर पी एम क्या है, हमारा यहाँ पर पी एम है डायलेक्ट्रिक मोमेंट, यहाँ पर क्या है, ये डायपोल मोमेंट है, तो डायपोल मोमेंट थीटा, यहाँ पर कुछ एंगल है, तो ये दोनों फोर्स क्या करेगा, ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये नेट फोर्स इस पे है निडिल पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन इस दोनों फोर्स को, ये दोनों फोर्स हमको क्या दे सकता है, टॉर्क प्रोड्यूस करवा देगा, तो टॉर्क हमारा इसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा क्या हो जाएगा कि फोर्स एंड ए टॉर्क, ऑप्शन ऑप्शन हमारा 1 राइट हो जाएगा, फोर्स एंड ए टॉर्क
एक्सपीरियंसेस। इतना समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर समझ लेते हैं एक बार। बोल रहा है द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज, आपको यूनिट बताना है पोल स्ट्रेंथ का। तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा, सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। हम लोग जानते हैं वी नो डैट, देखिए पहले हम लोग एक बार मैग्नेट लेते हैं इसको समझने के लिए। क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट लेते हैं। मैं यहाँ बार मैग्नेट आपको बना देता हूँ, ठीक है। ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया। ये आपका क्या लिए हम लोग, बार मैग्नेट, ठीक है। तो बार मैग्नेट जब लिए तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ से जाता है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। और लेकिन बार मैग्नेट के अंदर में कैसे चलेगा मैग्नेटिक फील्ड, साउथ टू नॉर्थ चलेगा। और ये जो हम लेंथ लिए हैं मैग्नेटिक बार का, हम मान लेते हैं 2L ले लिए। तो हम लोग से जानते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट यहाँ कर देते हैं किससे, न्यू बी से, ठीक है। बी होगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, न्यू बी से। बार मैग्नेट है तो बी और न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला होता है न्यू बी बराबर क्या होता है, पी बी। ये बार मैग्नेट का क्या हो गया, बी हो गया पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अच्छा बाद में लिख देता हूँ। ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ और इनटू क्या हो जाएगा, 2L जो हम लेंथ लिए है बार मैग्नेट का, ना हो जाएगा। यहाँ पर लिख लो पी बी क्या शो कर रहा है, पी बी को शो कर रहा है पोल स्ट्रेंथ, किसका, बार मैग्नेट का, बार मैग्नेट, ठीक है। अब क्लियर रहेगा तो हम इतना कर सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, पी बी चाहिए। तो पी बी तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाय 2L हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। फिर यहाँ से देखिए, तो हम यहाँ से आओ क्या जानते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर क्या जानते हैं, एक और फॉर्मूला इसमें जानते हैं कि करंट इनटू एरिया, ये भी जानते हैं। आई यहाँ पर क्या है, करंट है, और ए यहाँ पर क्या है, एरिया, इसी के प्रोडक्ट क्या है जानते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो अब हम इसमें क्वेश्चन वन में रखते हैं, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू ए बाय, और लेंथ क्या क्या हो जाएगा, लेंथ का मीटर इसको बदल रहा है, और करंट का एम्पियर इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का लिखे तो मीटर, एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा। तो पी बी क्या बचेगा, ए एम्पियर पर मीटर। यहाँ पर जो हम फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो ले रहे हैं, ये यहाँ पर ये करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है ना, एम्पियर जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही हम यहाँ पर ए रिप्रेजेंट किए, ठीक है। तो एम्पियर इनटू मीटर, तो हमारा निकल गया कि पोल डेंसिटी जो होता है, पोल डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर, ऑप्शन टू, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं,
18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज स्लाइटली मोर देन वन इट इज कॉल्ड। तो हम लोग बीके मेहता बुक का थ्योरी भी पढ़े तो उसमें या ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि जिस मटेरियल का रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, स्लाइटली मोर देन वन होता है, यहाँ पर क्या होगा वैल्यू वन से बड़ा होता है जिसका रिलेटिव परमिटी परमिएबिलिटी मोर देन वन होता है, वैसे मटेरियल को किस नाम से जानते हैं, वैसे मटेरियल को जानते हैं पारा पारा मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये आपका इसका ऑप्शन टू होगा राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोलता है कि 80 80 बाय एम इज द यूनिट ऑफ, किसका ये यूनिट है। तो देखिए 80 बाय एम यही दिया हुआ है, पूछ रहा है किसका यूनिट है। तो यहाँ से ए किसको कर रहा है, एम्पियर को। ठीक है, टी किसको बता रहा है, टर्न को, और एम किसको बता रहा है, मीटर को। तो ये किसका होता है करंट, ये किसका होता है टर्न एन, और ये किसका होता है लेंथ। तो अगर हम लिखे इसको तो क्या होगा, आई इंटू एन बाय एल यही होगा। और ये हम जानते हैं क्या होता है एमएमएफ, और ये हो जाएगा लेंथ ही रहने दो। तो एमएमएफ बाय लेंथ किसका होता है फॉर्मूला, होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स का, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन थर्ड हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, 20 नंबर क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। क्या है सॉल्यूशन इसका, कि एक मैग्नेटिक नीडल है, तो मैग्नेटिक नीडल बना लेते हैं। चलिए हम यहाँ बना ले, ये आपका एक क्या ले लिया हमने, मैग्नेटिक नीडल। मैं यहाँ लिख दूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है एक नीडल है, जिसका ये पोल हम मान लेते हैं नॉर्थ पोल, ये मान लेते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो इसमें से और इस मैग्नेटिक नीडल को कहाँ पर रखा जा रहा है, तो इस मैग्नेटिक नीडल को रखा जा रहा है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं इस नीडल को। तो अब इसको समझने के लिए क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो हम फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। अगर एफ वन लिखे तो इस पे हम कुछ चार्ज मान एज्यूम कर लेते हैं क्यू, यहाँ पर साउथ पोल पे भी हम चार्ज मान लेते हैं कुछ सेम क्वांटिटी का क्यू चार्ज। ठीक है, तो यहाँ जो हो जाएगा एफ वन अगर माने, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है किस पे, नॉर्थ पोल पे जो हम फोर्स लग रहा है उसको एफ वन मान लेते हैं, और साउथ पोल पे जो फोर्स लग रहा है उसको एफ टू। तो एफ वन का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्यू वी बी। ठीक है, यहाँ पर हम मान सकते हैं वी वन, और जो साउथ पोल पे लग रहा है फोर्स एफ टू माने उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्यू बी बी टू, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं बी नॉन यूनिफॉर्म ले रहा है, तो अलग अलग ले सकते हैं बी वन बी टू दोनों,
पोल पे अलग अलग डन यूनिफॉर्म है तो अलग अलग हमारा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण फोर्स भी क्या हो जाएगा, फोर्स का भी जो मैग्नीट्यूड होगा अलग होगा, क्वांटिटी क्या होगा अलग होगा। तो यहाँ पर कौन एग्जिस्ट करेगा, फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमारा टॉर्क के बारे में देख लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टी वन ले लेते हैं इसके लिए और टी टू ले लेते हैं इसके लिए साउथ पोल के लिए। तो ये जानते हैं क्यू वी बी वन एच, यहाँ से यहाँ के लिए हम कुछ हाइट मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ कुछ हाइट मान लेते हैं। तो एच हो गया और क्यू वी बी टू एच। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण क्या हो रहा है, टॉर्क भी अलग अलग लग रहा है। तो टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा जब हम कोई मैग्नेटिक नीडल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, वो क्या होगा हमारा एक फोर्स भी लगेगा क्योंकि अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्सपीरियंस करेगा पोल, और एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क भी अलग अलग एक्सपीरियंस करेगा बा कारण बाय बी वन और बी टू के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन में, ए टॉर्क बटन ए फोर्स बट नॉट टॉर्क, ए फोर्स क्या दोनों ऑप्शन कौन सा था, ए फोर्स एंड ए टॉर्क कहाँ गया, ऑप्शन वन इसमें दोनों पाया जाएगा, एक फोर्स भी और एक टॉर्क भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, वन हो जाएगा।